भूषण सिंह इनका नाम हुआ, ही स्वतंत्रता सेनानी थे और डिस्ट्रिक्ट गया के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पहले चेयरमैन रहे। 1954 से 1963 तक के चेयरमैन रहे। फिर चार से पांच टर्म के लिए एमएलए रहे, मंत्री भी रहे। काला पानी में इनको सज़ा हुआ था। आज इनका पुण्यतिथि 9 नवंबर को मैं मना रहा हूँ। पिछले चार वर्ष से मैं ये पुण्यतिथि शुरू किया था 2016 में मनाना। आज ये चौथा साल है जिसे मैं पुण्यतिथि मना रहा हूँ। और इसके बाद अभी मालार्पण हुआ है, टेकारी में एक ग्रैंड फंक्शन, ग्रैंड पुण्यतिथि मनाया जाएगा जिसमें विभिन्न मंत्री और एमएलए भी आएंगे। सिंह का पुण्यतिथि मनाने के लिए आए हैं और आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जिला परिषद के प्रांगण में उपस्थित हैं और हम लोग के बीच में काफ़ी संख्या में जनता भी उपस्थित हैं। माननीय शत्रुघ्न बाबू ने आज़ादी के लड़ाई के लिए काफ़ी प्रयत्नशील रहे, काफ़ी परेशानी में पड़े, जेल गए, इनके सीना पर आटा के चक्की, लोहा के पत्थर की चक्की चलाया गया, काला पानी हुआ, कई एक बार जेल गए, लेकिन पीछे नहीं हटे, आज़ादी पूर्ण रूप से लेकर ही दम लिया। और इन्होंने उसके बाद जिला परिषद के चेयरमैन बने, जो अपने जीवन काल में कम से कम हजारों आदमी को सर्विस दिया, जो आज तक पूरे हिंदुस्तान के गांव-गांव में, टोला टोला में, प्रांत में, जिला में नौकरी कर रहे हैं और उनका बाल बच्चा सब जी रहा है, खा रहा है और बहुत ऊपर बढ़ गया है। इसलिए हम अभी माननीय शत्रुघ्न चंद्र सिंह, जो बिहार के और गया जिला के सिंधवारी ग्राम के रहने वाले और महान योद्धा थे, उनको भूला नहीं जा सकता है। काफ़ी ताकत वाले थे, जो आज़ादी लड़ के लिए और भारत को नहीं, पूरे देश को, बिहार के कोने कोने में आज़ादी के लहर दिए। ATN Live.